ए बबलू, बोल मेरे बंटी। सामने कुछ अच्छे घर के लोग बैठे हैं, अगर एक भी मुर्गा फंस गया ना तो घर बैठे खाना पीना मिलेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या बात है बंटी, तो शुरू हो जाए। लाइट कैमरा एक्शन। तोते बाइक से कुचल जाएंगे। ओहो, बेचारा जख्मी हो गया है। इससे पहले कि चिंगम से डस्टबिन से निकले, चलो इसे दवा लगाते हैं। अरे मिट्ठू मियाँ, तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए हरी हरी मिर्च लेके आता हूँ। अगर फ्रूट्स मिल जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। बाय द वे, मेरा नाम बबलू है। पतलू पतलू, ये बोलता है, ये इंसानों की तरह बोलता है। अरे इसे फ्रूट्स खाने हैं। अच्छा, जरा मेरे सामने तो बुलवाओ। तुम्हें यकीन नहीं है? अभी देखना। बबलू बेटा, पतलू को बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। अरे बोलो बबलू। स्क्वाट, मिट्टू मिट्टू, बेटा मिट्टू, स्क्वाट। सुन लिया ये क्या बोलता है? अरे मैं सच कह रहा हूँ। लो, ये खाने पीने में तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ए, तुम पतलू के सामने बोले क्यों नहीं? तुम मुझे ढेर सारे फ्रूट्स खिलाओ और मैं तुम्हें 3 विश दूंगा। 3 विश। वहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि अगर मैं उसे ढेर सारे फ्रूट्स खिलाऊंगा तो वो मुझे 3 विश देगा। 3 विश। अब मैं अभी आया। अरे ये क्या कर रहे हो मोटू, तुम ठीक तो हो ना? चलो चुपचाप सो जाओ। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये बबलू मुझे 3 विश देगा। अरे बबलू, तुम पतलू को क्यों नहीं बताते कि मैं सच कह रहा हूँ? एक तोता मोटू को 3 विश देगा, बॉस ये सुन के खुश हो जाएगा। थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ, थोड़ा फेंको, थोड़ा खाओ। यही है जिंदगी, एक मुर्गा फंस जाता है तो कई दिनों का राशन पानी का बंदोबस्त हो जाता है। ओके, मैं चलता हूँ, कल ब्रेकफास्ट में मिलूंगा। गिव हाई फाइव। ये क्या बबलू, इस बार तो हम बुरे फंसे, ये आदमी हमको छोड़ेगा नहीं। तो चलो पिंजरे से निकलने का फॉर्मूला नंबर 420 इस्तेमाल करते हैं। ओके दोस्त। बॉस बॉस, ये क्या हो गया इनको? मैं अभी इन्हें बाहर निकाल के देखता हूँ। बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं, ये हमारे किसी काम के नहीं। पिंजरा आग में डाल दो या नदी में बहा दो। ठीक हो गए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब सुनो, जल्दी जल्दी 3 विश हमें दे दो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। भोली भाली आंखों से हमें उल्लू ना बनाओ, 3 विश देने वाली बात हमें जल्दी बताओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे, ये कल रात से सिर्फ मिट्ठू बेटा ही बोल रहा है, 3 विश वाली बात कब बताएगा? मिट्ठू, मिट्ठू बेटा, मिट्ठू, मिट्ठू बेटा।
बॉस बॉस, मेरे ख्याल से इन्हें हरी हरी मिर्च खिलाते हैं तो ये खुश होके हमें 3 मिर्च देगा। चलिए बाजार चलते हैं। मेरा बबलू मुझे 3 विश दिए बिना ही पता नहीं कहाँ उड़ गया। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। तुम पहले डॉक्टर झटका के पास चलकर अपना चेकअप करवाओ, तुम्हें दिन में भी सपने आ रहे हैं। अरे कहीं तोते भी 3 विश देते हैं क्या? लो आ गए डॉक्टर झटका और घसी जा रहा हूँ। ये सारी हरी मिर्च मुझे दे दो, सारी की सारी। अरे अरे पैसे तो दो। कितने पैसे चाहिए जल्दी बोलो बोलो, टाइम कब है? जॉन तुम हरी मिर्च क्यों खरीद रहे हो? क्या तुम्हारे पास हमारा तोता बबलू है? नहीं नहीं, हमारे पास कोई तोता नहीं है। हाँ, बॉस को तो हरी हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है ना बॉस? बॉस चाहे तो ये पूरी मिर्च अकेले एक टाइम में खा सकते हैं, है ना बॉस? हाँ हाँ, मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, मैं सारी की सारी मिर्च अकेले खा सकता हूँ। तो फिर खा के दिखाओ। हमें लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हमारा तोता तुम्हारे पास है। बॉस एक बार खा के दिखा दो तो इन्हें यकीन हो जाएगा। ये क्या, यहाँ तो 2 तोते हैं। एक तो बबलू है, दूसरा कौन है? ये मेरा दोस्त बंटी है। उड़ी पापा, बोलने वाले तोते। सॉरी मोटू, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं तुम्हें 3 विश नहीं दे सकता। दरअसल हम इसी तरह लोगों को उल्लू बना के मुफ्त खाते पीते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन आज बुरी तरह फंस गए हैं, हमें बचा लो। देखा पतलू, मैं कह रहा था ना ये बोलता है। दरअसल हम एक सर्कस में पले बड़े हैं, वहाँ हमने इंसानों की तरह बोलना सीखा, फिर हम वहाँ से भाग गए और इस तरह लोगों को बुद्धू बना के अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। मुड़ी बाबा, ये कहाँ से आ गए? उस ईगल को पकड़ना है। बड़े भैया, मेरा बबलू खतरे में है, कुछ करो। ये लो फ्लाइंग सॉसर, इसे लो और उड़ जाओ, जाओ अपने बबलू को बचा लो मेरी यार। ये दोनों तुमको बचाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आसमान में उड़ना इतना आसान नहीं। आसमानी लड़ाई के दांव पेच मेरे से ज्यादा कौन जानता है? अब चल के तुम दोनों को लंच में आराम से खाऊंगी। ये दोनों कभी हार नहीं मानते। अब जाओ तो कहाँ जाऊं? मुझे पानी से डर लगता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? डाइव मारती रहो, देखे कौन उन्हें पकड़ता है। आज या तो इस पार या फिर उस पार।
दोनों को पता था कि हम तीन विष नहीं दे सकते, फिर भी हमें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो और तुम्हारी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। उम्मीद है कि तुम लोग फिर कभी किसी को ऐसे बुद्धू नहीं बनाओगे। नहीं मोटू, आज से हम और पंछियों की तरह मेहनत करके अपना खाना ढूंढ के खाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।